Good morning, friends. I hope you all are good. Once again, good morning, all of you. Very energetic voice. In previous lecture, we talked about human body and their functions and parts. Okay, so let's just revise that previous lecture what we do. Made number of parts. हमारी जो body है human body को बहुत सारे parts से बनी हुई है. Second ones, they work together. Body parts है वो सब मिलजुल के work करते हैं. Third point, each body part has a name. Each and every body part has a name. Right. Next one, introduce and identification of body parts. हमारी body parts का introduction करवाया था. उसकी आइडेंटिफिकेशन रियल एग्जांपल के थ्रू करवाई थी. राइट. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स. हमारे बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस कौन से कौन से. ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स परफॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस. सेंस ऑर्गन. लास्ट टॉपिक था हमारा सेंस ऑर्गन्स का. लेट अस रिवाइज अगेन व्हिच टॉपिक विल बी टॉप. Fun time activity, let us see. Test an ice cream. Ice cream ka hum taste kar rahe hai. Uska body part kaun sa aayega? Tongue. Very good. Smell delicious food. Different different food mama banati hai. To uska hum smell lete hai. To kaun sa sense organ aayega? Nose. Very good. See the beautiful flowers. Hum garden mein school mein daily aate hai. छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, ग्रास होते हैं, वो सब हम देखते हैं और उसकी स्मेल भी लेते हैं. राइट. तो स्मेल लेते हैं तो कौन सा बॉडी पार्ट यूज होगा. सेंस ऑर्गन कौन सा आएगा. नोज. और देखते हैं. हियर राइट और सी तो क्या आएगा. आईज. ओके. दिस इज द फन एक्टिविटी टाइम. लेट अस सी व्हाट वी सी इन दिस लेक्चर. Growing older, यानी कि हम छोटे बेबी थे, उससे भी बड़े हुए, उससे भी बड़े हुए, तो एक क्या हुआ हमारा फिजिकली, एक क्या हुआ ग्रोथ हुआ. फिजिकली ग्रोथ होता है एज वेल एज कंटिन्यू विद द मेंटली ग्रोथ. मेंटली और फिजिकली दोनों ग्रोथ होते हैं. वी बोर्न एज बेबीज. हमारा बोर्न होता है तब हम छोटे बेबी होते हैं. राइट. From a baby we grow up to be a girl or boy. हम छोटे बेबी होते हैं, थोड़े बहुत छोटे होते हैं, थोड़े बहुत छोटे होते हैं, हम पहचानते हैं बॉय और गर्ल. राइट. छोटे से बड़ा होना यानी कि आप पहले मम्मा खिलाती थी आप लोगों को, फिर आप सीनियर में आए, जूनियर में आए, उससे भी आगे फर्स्ट सेकेंड में आए और आगे जाओगे मतलब आपका क्या होगा, फिजिकली ग्रोथ होगा. फिजिकली ग्रोथ के साथ कौन सा ग्रोथ आएगा. मेंटली ग्रोथ भी ऊंचा जाएगा. उसका क्या होगा, प्रोग्रेस होगा. देन बिकम अ यंग वुमन और अ मैन. आप जब 7 या 8 स्टैंडर्ड में जाओगे मतलब इतने पहले इतने फिर ये फिर ये फिर ये 7 8 स्टैंडर्ड में गए वहां से आपको वुमेन और मैन लाइक इन योर स्कूल रिटर्न इन द रजिस्टर लाइक काजल बैन रमेश भाई. राइट. विमेन और मैन आपकी जेंडर हो जाएगी फिक्स.
वो